तीन दिन पहले शहर में हुई मूसलाधार बारिश और डेंगू के बढ़ते खतरों को देखते हुए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया शहर के विभिन्न रहवासी क्षेत्रों का मौका मुआयना कर रहे हैं। आयुक्त झारिया ने बुधवार को जवाहर नगर क्षेत्र पहुंचकर सफाई, जल भराव की स्थिति और रहवासियों को नाले के कारण हो रही दिक्कतें देखी। आयुक्त ने क्षेत्रीय रहवासियों से भी चर्चा कर समस्याओं को जाना और निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर ही जवाहर नगर क्षेत्र में फॉगिंग मशीन से कीटनाशक का छिड़काव भी करवाया। शहर के सबसे पुराने और बंद पड़े सुभाष शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भी दिन अब फिरने वाले हैं। कलेक्टर एवं निगम प्रशासन कुमार पुरुषोत्तम ने मार्केट का मौका मुआयना कर मार्केट की दुकानों में सुधार करने, खराब शटर हटाकर नए शटर लगाने, सफाई और ड्रेनेज सिस्टम के साथ विद्युत व्यवस्था कर मार्केट को उपयोगी बनाने के निर्देश सिटी इंजीनियर को दिए। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने इस मार्केट की 99 दुकानें निगम के ई टेंडर प्रक्रिया से नीलाम करने की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा, ये मार्केट सर्व सुविधा युक्त है, रंग रोगन कर इस मार्केट को कारोबार के लिए दिया जाएगा। ये मार्केट व्यापारियों के लिए सौगात है। बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार 1 नवंबर से 90 जनजाति ब्लॉक में हर घर राशन भी पहुंचाएगी। उक्त बात भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री नारायण मईड़ा ने सर्किट हाउस पर मीडिया से चर्चा करते हुए कही। प्रदेश मंत्री मईड़ा ने कहा, मुख्यमंत्री ने जबलपुर में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सम्मेलन में जो घोषणाएं की वो जनजाति के उत्थान में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। उन्होंने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की। जो मुख्य रूप से घोषणा की है उसमें 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। 1 नवंबर से जनजाति भाई बहनों के लिए राशन आपके द्वार योजना भी प्रारंभ की जाएगी। सामुदायिक व प्रबंधन के अधिकार व देवरणी योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। वन प्रबंधन का अधिकार जनजाति वर्ग को दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से पैसा एक्ट लागू किया जाएगा। जनजाति भाइयों एवं बहनों को साहूकारी के शोषण से मुक्ति मिलेगी। 15 नवंबर से मध्य प्रदेश में सिकिल सेल मिशन प्रारंभ किया जाएगा। जनजाति कौशल विकास के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। 1 साल के अंदर जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 1,00,000 पदों की भर्ती की जाएगी। मछली पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिए एकीकृत योजना भी इसमें शामिल की गई है। ग्राम पंचायत रामपुरिया में सरपंच सचिव द्वारा बिना ग्राम सभा आयोजित किए कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए खदान का प्रस्ताव बनाकर खनिज विभाग को दे दिया। साथ ही जिस गांव में ग्राम सभा की मीटिंग और अनाउंस करना था वो किसी अन्य जगह करके प्रस्ताव पास करवा लिया गया। ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए अनुमति निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कलेक्टर, जिला पंचायत CEO और खनिज अधिकारी को ज्ञापन दिया है। हमारे
जी बताए किस संबंध में आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आपकी? ये मांग ये है कि जो ये जो अवैध जो खदान दी गई है, अवैध अभी जो खदान दी गई है दबई पारा में वहाँ पे सामलिया रुंडी में, तो ये सामलिया रुंडी वालों को उस चीज की जानकारी होना चाहिए, उनको ना जानकारी दी। और ये जो अलाउंस हुआ है जन सुनवाई द्वारा, जो उज्जैन के द्वारा इनको सूचना मिलती है शासन की तरफ से, पहले आप उस इलाके में जहाँ भी अपने को ये काम करना है, खदान डालना है या फैक्ट्री डालना है, तो उन ग्रामवासियों को सूचना दी जाती है, उस पंचायत को खबर की जाती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस गांव में अलाउंस करना था वहाँ इन्होंने अलाउंस नहीं किया, दूसरे गांव में जाके अलाउंस किया, मीटिंग दूसरे गांव में की, और ये जो है खदान वहाँ पे सामले रूंडी में डाल रहे हैं। इस खदान डालने से आदिवासियों की जमीन को खतरा है, फसल को नुकसान होने जा रहा है, आदिवासियों की फसल का नुकसान हो रहा है, और ये ब्लास्टिंग करेंगे, ब्लास्टिंग करने से और भी आसपास में संभावना बनी हुई है, तो इसको निरस्त किया जाए और फिर से ये सामलिया रुंडी में प्रस्ताव प्रशासन शासन प्रशासन को ये इनको डबल से ये तारीख तय करे और इनको विश्वास में ले, वहाँ के लोगों को विश्वास में लेके इनका नुकसान नहीं हो ऐसा काम वहाँ पे करे। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सावलिया रुंडी के ग्रामीणों ने भी ज्ञापन दिया और ग्राम में हुई जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग की है। सरपंच सचिव पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया। क्या नाम है आपका? वागजी बाबर। कहाँ से आए और क्या शिकायत लेके आए हैं? मैं सावलिया रुंडी। क्या शिकायत है आपकी? ये खनिज विभाग वहाँ है कि गांव में ये खदान गिट्टी का पड़ रहा प्लांट, तो वहाँ हमारे इसी नुकसान होगा, हमारे गांव में फसल नष्ट हो रही है, हमारे गांव में रास्ता खराब हो रहा है और फसल नष्ट हो रही है। ग्राम सभा रखी इन्होंने वो रखी थी जन सुनवाई पर्यावरण विभाग की, तो आपको कोई सूचना वगैरह थी? हाँ, वो हमको सूचना नहीं थी, वो हमारे गांव में इस दिन तो दसवीं का त्यौहार काटते बना रहे थे, हमको सूचना नहीं थी। तो आप क्या मांग करते हैं? हमको इनको बंद किया जाए, तो नहीं प्लान हमारे गांव में डल रहे वो हमको सूचना नहीं थी, और इनको मीटिंग रखी राजपुरा गांव में पंचायत, हमको लापता है।